तुम्हारा पति मर गया है, लेकिन मैं दूसरी शादी ना करूंगी। अपने बच्चों के साथ मैं सारी जिंदगी बिता दूंगी। अरे अय्या क्या बिता लेगी जिंदगी, है घर की इज्जत नीलाम करवाएगी? ये तो गांव का नियम है। और फिर तेरा ब्याह कहीं और थोड़ी करवा रहे हैं, खाना देवरी तो है ये। देवर है और अभी कुछ ही महीने पहले शादी हुई है इसकी। अपनी पत्नी के होते हुए मुझसे शादी करेगा ये? घर की इज्जत के लिए हम कुछ भी करेंगे। जब मारे को प्रॉब्लम ना है तो थारे को तकलीफ क्यों हो रही है? देख बिंदनी, भगवान ने मारे से बड़ा बेटा छीन लिया है, अब थारी चिंता माने हैं? और थारे को ऐसा ना छोड़ेंगे। और ये बरसों से चली आ रही परंपरा को ठोकर मार के साबित काय करना चाहो? अरे गांव वाला काय कहेंगे? ससुर हो आप मारे, बाप समान मानती हूँ आपको। अरे बहू हूं मैं आपकी, और अपनी बहू की दूसरी शादी करने के लिए कह रहे हो? ना, मैं ये पाप नहीं करूंगी। कौन सा पाप की बात कर रही है बिंदनी? अक्कल तो ठिकाने तारी हा? कान खोल के सुन ले, जो परंपरा सदियों से चली आ रही है ना, तोड़ ना देंगे, समझ गई? और हाँ, अगर ये शादी से इनकार करे ना तो हमसे बुरा कोई ना होगा। आखिर कैसी है ये प्रथा, जहां पति के मरने के बाद पत्नी को उसके देवर से शादी करने के लिए विवश किया जाता है? कैसा है ये समाज, कैसा है ये रिवाज? नमस्कार, मैं खुशबू शर्मा आप सभी का सलाम इंडिया में स्वागत करती हूँ। राजस्थान के उदयपुर जिले के गांव मानपुर की मोती मीना के साथ जो कुछ भी हुआ, उसे जानने के लिए मोती मीना की जिंदगी के आईने में आइए गंभीरता से झांकते हैं। पी लीजिए, पानी पी लीजिए। लीजिए उदय, उदय बेटा, बेटा जा जा, अपने दादाजी को बुला ला, बोला तेरे बाबू सा की तबीयत बहुत खराब है, जा जल्दी जा। अरे आ गया, गोपाल को देखने गए थे क्या? एक बार देखाते तो अच्छा होता ना। अरे भगवान लुगाई है ना उसकी, उसका ध्यान रखने के लिए है? जो हमारा फैसला पूरा कर दिया और मंदिर का प्रसाद खा के ठीक हो गया, अब कुछ होने वाला उसको? ये तो अच्छा हुआ। आ गया बेटा। बापू खेतों का हाल ठीक ना है, अगर पानी का इंतजाम ना हुआ ना तो इस बार भी फसल ना होगी। हमको ये खेतों का काम समझ में ना आवे, हम अपने काम में खुश हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं बापू। कुछ नए काम की बात हो रही है। जानकी, जानकी जी। अरे मारे को भूख लगी है, खाना लगा दो जल्दी। जी बेटा बलवंत, तू ये खेतों की चिंता करना छोड़, तू अपना काम कर है? और सुन, तू जो ये अहमदाबाद आना जाना लगाए रखा है, जो काम वहां करे यहां भी तो हो सके। दादाजी, दादाजी बापू की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी चलो। बोला था ना थारे को कि उसका पता करके आना, जाओ जल्दी जाओ।
देख के आऊं। बेटा बलवंत रोटी खा के आ जा जो। ठीक है बापू। अरे जानकी खाना खिलाएगी भी या बनाने लगी अभी? उदय गया है अपने दादाजी को बुलाने के लिए। उनके आते ही हम आपको शहर लेकर जाएंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए। हमें तो पहले से ही डर लग रहा था, मंदिर के पंडित के चक्कर में हमें फंसना ही नहीं चाहिए था। किसी ने सुनी ही नहीं हमारी। अचानक क्या हो गया ने? जब मंदिर से आया तब से ठीक था ये? ठीक तो तब भी ना थे बापू साहब, पर कल रात से इनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। कुछ न होगा बिंदली, सब ठीक हो जाएगा। बापू साहब इन्हें शहर ले जाकर डॉक्टर को दिखा दीजिए। कहा ना बिंदली, कुछ न होगा, डॉक्टर तो पैसा लूटे हैं, मैं दवा मंगवा दूंगा। हाँ भाभी साहब, मैं शहर जा रहा हूँ, मेडिकल से कुछ दवाइयाँ भिजवा दूंगा। देवर जी इन्हें हुआ क्या है ये तो पता चलना चाहिए। पहले दवाइयाँ दे लेते हैं, उसे ठीक ना हुआ तो शहर जाके दिखा लेंगे, पर मारे को लागे है ठीक हो जाएगा। बलवंत ठीक है बिंदनी, आज दिन भर देख लिया, दवा भिजवा देगा। बलवंत बेटा तू जल्दी जा दवा भिजवा दे। ठीक है बाप। बेटा हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा, भगवान भली करेगा बेटा। अब बिंदनी तू भी चिंता मत कर। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, ये रात कट नहीं रही थी और रुक रुक कर ऐसा लग रहा था जैसे ससुर जी की बात मानकर मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। जब भी इनको तड़पते देखती मेरी सांसें रुक जाती थी। एक भयानक डर दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। बस किसी तरह सुबह हो जाए इसी का इंतजार था। उनको देखते देखते आंखों में न जाने कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। और जब सुबह हुई तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे पति हमें छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके थे। अब जो हो गया उसे बार बार दोहराने से कुछ फायदा ना है। भगवान जो चाहता है वही होता है। इंसान का भी कुछ फर्ज हो गए। इतने दिनों से हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, अफसोस तो इसी बात का है कि कुछ नहीं कर पाया। कुछ नहीं किया? अरे कैसी बातें कर रही है बहू, उसे लेकर तो गए थे मंदिर, कितनी पूजा पाठ करवाई थी। हाँ फिर वहां से आने के बाद में जेठ जी ठीक भी तो हो गए थे। ठीक कभी ना थे वो, हमारी मति मारी गई थी जो सबके कहने में आ गए थे। हम डॉक्टर को दिखा दिया होता तो आज। अरे तो क्या होता, सिर्फ पैसे की बर्बादी होती। अरे जब तंत्र मंत्र किया हुआ था तो दवा दारू से क्या फायदा होता।
हाँ दीदी, ससुर जी कह रहे थे कि चाचा के बेटे का सब किया धरा है, उसी ने जेठ जी की जान ले ली। हाँ बीमारी क्या थी ये तो पता करवाया नहीं, और तंत्र मंत्र से कोई किसी की जान ले ले बेका। हर साल गांव में जादू टोने से कितनी जाने जाती हैं। हाँ दीदी, पिछले बरस ही तो इनके दोस्त की लुगाई मर गई थी, और नहीं तो का? हम बेबस थे, इनको शहर ले जाकर डॉक्टर को दिखा दिया होता तो आज। बैठी रही घर में मर्दों के भरोसे, पछता रहे हैं, समझ में आ गया हमें कभी कभी दूसरों पे भरोसा ही ना करो, अपने मन की सुनो, वही करो। बेटा बलवन, गांव वाला सही कहे, भले ही बिंदड़ी घर से बाहर रहे, अलग रहे हमसे, लेकिन है तो घर की बहू है, वाकई इज्जत मारी इज्जत है। मतलब कहना क्या चाहते हो? यही बेटा, जो सालों से चलता आ रहा है वही करना पड़ेगा मने। पर मारी शादी तो हो चुकी है ना बापू। अरे तो वो कौन सा फर्क पड़ गया है? दो बिंदड़ी ना हो सके? देख अपनी रिश्तेदारी में कोई कमार तो बचो ना है, और बाबू बाबू ने सुहागन रखना है। देख तारे को करना पड़ेगा, मैं तो मान भी जाऊं, लेकिन एक बार जानकी से तो बात करनी पड़ेगी ना। बावड़ो गयो हैं? मारे यहाँ औरतों से पूछने का रिवाज ना है, एक बार जो फैसला मर्दों ने कर दियो वो फैसला नू औरत मानेगी। हरी माँ को बोलूंगा क्या करना चल। पर बापू एक बार फिर सोच लो क्या करना है। रे सोच लिया, थारे को सोचने की जरूरत ना है, और कल को वहां का नाम जो प्रॉपर्टी है वो भी थारे नाम होगी। अब चल। अरे चल। पर बापू एक बार जानकी से ना सोच बाकी जरूरत ना है, कह दियो कह दियो। जायदाद के लालच में ये नियम सदियों से चला रहा है, आदमी की मौत के बाद औरत को उसी घर के किसी दूसरे मर्द से ब्याह करना पड़ता है। और अगर औरत ना चाहे तो? अरे क्यों ना चाहेगी, उसका उजड़ा घर बस जाएगा, उसे और क्या चाहिए। और वैसे भी कौन सा तू किसी और मर्द से ब्याह करने वाली है। बलवंत से बात कर ली है मैंने, बहुत मुश्किल से माना है वो, और अब तो बीच में रोड़े मत डालना, समझी। और वैसे भी गांव वाले ना जाने क्या क्या बातें करने लगे हैं। गांव वाले बोल रहे हैं इसलिए आप हमारी शादी देवर जी से कराना चाहते हो। उनकी अपनी बीवी है, अभी कुछ महीने पहले तो शादी हुई है उनकी। तो उसकी चिंता मत कर, जानकी ना थारे जैसी ना है, वो गांव के सारे कायदे कानून बहुत अच्छे से समझती है। नियम कानून तो मैं भी समझती हूँ मासा, पर जो नियम कानून मन ने पता है उसके मुताबिक तो कोई भी हमारी शादी इस तरह से ना करा सकता। क्या कहा तूने? तुम्हारे फैसले के खिलाफ जावेगी, अपने ससुर के फैसले के खिलाफ जावेगी, इस गांव के फैसले के खिलाफ जावेगी। एक बात कान खोल के सुन ले कि बलवंत के बापू जो फैसला करेंगे वो तुझे मानना पड़ेगा, चाहे तू मर भी क्यों ना जाए। अगर तू ये बात सोच रही है कि तू अकेली गांव वालों के खिलाफ लड़ लेगी तो तू गलत सोच रही है।
ऐसा सोचना भी मत, समझी? लड़ाई तो अभी शुरू हुई है मासा, मैं भी देखती हूं कौन कराता है मेरी दूसरी साथी। अब इतनी हिम्मत हो गई उसकी कि मारे खिलाफ लड़ेगी वो, हैं? साफ साफ समझा दो उन्हें कि या ब्याह करवा तैयार ना है तो हम उसने या जमीन जायदाद से अलग कर देंगे। उसे कोई लालच ना है जायदाद का, एक नंबर की जिद्दी है वो। मारे को पहले से ही पता था वो नहीं मानेगी, पर बापू को समझ नहीं आ रहा था। अरे सब समझू, पर अब देखो कैसा ना माने वो। अरे एक बार कह तो दिया, मना कर चुकी है वो। उसके तेवर देख के मारा तो दिमाग खराब हो जावे है। ऐसे बात करती है जैसे इस घर की बहू ही ना हुए। इसीलिए उसको काबू में करना जरूरी है, नहीं तो हमारा घर की इज्जत नीलाम हो जाएगी। बलवंत एक बार और जाके समझाओ उन्हें, अब की बार अगर वह ब्याह के तैयार ना हुए तो फिर पंचायत बुलानी पड़ेगी। पंचायत बुलाने की कोई जरूरत नहीं है बापू, मारे को पता है उसे कैसे समझाना है। पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा तू? तू ही तो मेरा सहारा है, अब तू कुछ बन जाएगा तभी तो अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रख पाएगा। कितनी बार बोला है स्कूल नहीं जाना है मुझे, दादाजी मारते हैं, कहते हैं स्कूल में पढ़कर क्या करेगा, जा बकरी चरा। अच्छा ठीक है, तो उनसे कहना कि बच्चों के लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है और उन्हें स्कूल पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आज भी तुझे रोकेंगे तो मैं उनसे बात करूंगी, ठीक है? बैठने का टाइम ना है, बात करने आया हूं। मारे को जो कहना था मैंने मासा से कह दिया है। बापू ने भेजा है ये बताने के वास्ते कि जो उन्होंने फैसला किया है तू उसके खिलाफ नहीं जा सकती। अगर उसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो परेशान हो जाएगी, गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा तेरा। जी देवर जी, शरम ना आती आपको? अरे तीन तीन बच्चे हैं मेरे और आप भी तो शादीशुदा हो। बोलने और फैसला लेने से पहले कुछ सोचा है आपने? बहुत सोचा है, घर की इज्जत के लिए शादी करनी पड़ेगी। अगर जो तू ना मानी ना तो मैं तुम्हें बता देता हूँ मुझे मनाना आता है। जबरदस्ती करोगे हमारे साथ? अरे शर्म नहीं आई आपको शादी की बात सुन के? अरे चुप कर, शर्म तो तुझे आनी चाहिए। समाज में जो नियम है उसके खिलाफ गांव में किसी की हिम्मत नहीं है जाने की। पर हमारे अंदर हिम्मत है और नियम कानून मुझे अच्छी तरह से पता है। अच्छा तो तू अब हमारे खिलाफ बोलेगी, हमसे बगावत करेगी, इतनी हिम्मत? संभल के हाथ उठाने की जरूरत मत करना देवर जी, बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक तो हम पंचायत में ही देखेंगे कि कितनी महंगी पड़ती है। तारा पति दूसरी शादी करना चाहे पर तो चुपचाप बैठी बर्दाश्त कर रही है। हम औरतें बर्दाश्त करने के वास्ते ही पैदा हो गए से, हमारे अंदर हिम्मत ना सकी हम उनके फैसले के खिलाफ खड़े हो जाएं। तो तुझे ये दूसरी शादी कबूल है? अरे तुझे पता भी है क्या हो रहा है? तू अपने पति को बांटना चाहती है? मैं नहीं, वो लोग बांटना चाहते हैं। अरे तो तू मना भी तो कर सकती है, बात करके देख देवर जी से। अरे तेरा भी कुछ अधिकार है अपने पति पे, अपने घर पे। अधिकार? जिस दिन ब्याह करके हम इस घर में आए थे सारे अधिकार तो उसी दिन छिन गए थे। अब किस अधिकार की बात करूं,
जमाना बदल रहा है जानकी, हमें लड़ना होगा अपने हक के लिए। तू इस तरह से डर के रहेगी ना तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तेरी। डरना तो अपनी आदत बन गई है, हमारी जिंदगी तो कैसे भी गुजर जाएगी। पर दीदी, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उन्हें रोक सकूं। पर मारे अंदर ये हिम्मत जिंदा है। मारे जीते जी ये शादी ना हो पाएगी। सालों से चली आ रही ये कुप्रथा मैं बंद करूंगी। जानकी से मिलने के बाद वाकई लगा कि औरतों को हमारे यहाँ इतना कमजोर कर दिया जाता है कि वो अपने सम्मान और अपने अधिकार की बात करने से ही डर जाती है। आज मुझे महसूस हुआ कि मेरे जैसी कितनी औरतों को इस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा। पता नहीं कैसे, पर मुझे मेरे अंदर एक आत्मविश्वास महसूस हुआ। मुझे पता था कि मेरे ससुराल वाले पंचायत बिठाकर अपना फैसला मुझ पर थोपेंगे, पर मेरे अंदर का डर भाग गया था। मैं इस लड़ाई को अकेले लड़ना चाहती थी। ससुरो आप मारे, बाप समान मानती हूँ आपको। अरे बहू हूं मैं आपकी, और अपनी बहू की दूसरी शादी करने के लिए कह रहे हो? ना, मैं ये पाप नहीं करूंगी। कौन सा पाप की बात कर रही है बिंदनी? अक्कल तो ठिकाने थारी है? कान खोल के सुन ले, जो परंपरा सदियों से चली आ रही है ना, तोड़ ना देंगे, समझ गई? और हाँ, अगर यह शादी से इनकार करे ना तो हमसे बुरा कोई ना होगा। अरे बापू सा, जो आप करने जा रहे हो ना उससे बुरा कुछ और हो भी ना सके। ये पंच सरपंच ऐसे ही नहीं बैठे हैं, इनको सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है। सदियों पुरानी परंपरा को पंचायत के सामने ना मानना बहुत बड़ा अपराध है। समझ में ना आवे है क्या तुम्हें? सब समझ में आवे हमारे को देवर जी। आप जो कर रहे हो उसके पीछे क्या छुपा है सब समझ में आवे हमारे को। और रही बात सरपंच की ना, तो पंचायत तो भगवान समान होवे, उसका हर फैसला सर आंखों पर अगर पंचायत आंख बंद करके आप लोगों के फैसले पर यहाँ मुहर लगाने के लिए बैठे हैं तो हमारी आंखें खुली है, बंद ना है। मेरे साथ कोई भी जोर जबरदस्ती मैं बर्दाश्त ना करूंगी। चुप कर, मारा बेटा क्या मरा? तू बोलो ना, सीख गई? तू पंचायत के सामने बैठी है मत भूल, और आज तक किसी की हिम्मत ना हुई जो पंचों के सामने बोले। और भूल मत कि तू इस घर की बहू है। अरे बापू सा, भूल तो आप गए हो कि मैं इस घर की बहू हूं। अगर बहू मानते ना तो इस सरपंच को बुला के सबके सामने जलील ना करते हमारे को। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जो तुम हमारी बात को मान लेती तो पंचायत बुलाने की जरूरत ही ना पड़ती। मैं तो चाहती थी कि पंचायत लगे, हाँ चाहती थी कि मैं पंचायत लगे और पूरे गांव वालों को पता चले कि यहाँ चल क्या रहा है। तो मतलब तू कहना क्या चाहता है? यही कि अगर पंचायत का फैसला भी वही है जो आप लोगों का है तो
तो मैं ये पंचायत का फैसला मानने से इनकार करती हूँ। कैलाश, हमारी बहुत बेइज्जती होगी, हम चलते। बापू आप कहो तो अभी मैं इसका हाथ पर तोड़ डालू। महादेव जी, ऐसी गलती फोन पर भी ना करना, तो जेल में बैठकर चक्की पीसते हुए नजर आओगे। इसके सर पर तो भूत सवार है। ये तो इज्जत धूल मिला के चली गई, अब गांव वालों के सामने सर कैसे उठा सकूंगा? आपके सर को उठाने के लिए अगर इसका सिर काटना भी पड़ा ना बापू, तो उस काम को मैं पुण्य समझूंगा। मासा, मासा उन्हें रोकी, वो पता नहीं क्या करेंगे। मासा, तू शांत रह, वो जो भी करेगा ठीक करेगा। देखा नहीं क्या क्या बोलकर गई है वो, उसे शांत करना बहुत जरूरी है। कहाँ है तेरी मासा? ए, उठ, उठ। आज मैं तुझे तेरी औकात बताऊंगा, समझती क्या है खुद को? खबरदार देवर जी, जो मारे पे हाथ उठाए तो आज मैं तेरी वो हालत करूंगा कि गांव में निकलने लायक नहीं रहे, और देखता हूँ कौन बचा रहा है तुम्हें। एक औरत पे हाथ उठाते हुए शर्म ना आती थारे को? देखिए, हम लोग आजीविका संस्था से आए हैं। हमारा उद्देश्य गांव की महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में समझाना है। अगर आप लोगों में से किसी के भी साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी हो रही है तो आप हमारी संस्था की मदद ले सकते हैं। ठीक है? मेरे चाचा साहब मेरी मासा को मार रहे हैं। क्या, कहाँ है वो लोग? हमें अपने साथ लेके चलो। ये पता चलेगा मैं कितना गिर सकता हूँ। चलो खुलेआम तेरी इज्जत की नीलामी न की ना, तो फिर देखना देखना क्या होता है। पकड़ इसको। जानते नहीं हो तुम लोग मुझे? कौन हो तुम लोग? ये हमारा घर का मामला है, बीच में ना ही आओ तो अच्छा है। आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं? हाँ बताओ ना, कमिश्नर हो क्या? हम सोशल वर्कर्स हैं, और तुम जैसे लोगों को किस तरह शांत किया जाता है अच्छे से जानते हैं। अगर दोबारा इसके ऊपर हाथ उठाया तो घसीट के पुलिस के हवाले कर दूंगी। चलो निकलो, निकलो यहां से, निकलो। कौन थे ये लोग, क्या चाहता था? मारा देवर था, हमारे पति के मरने के बाद गांव की रीत बताकर हमारे से जबरदस्ती ब्याह रचाना चाहता है। मना किया तो मरने मारने पर उतर आया। हमारे ससुराल वाले भी यही चाहते हैं। कैसे लगे ये? देखो, तुम खुद को बिल्कुल भी अकेला मत समझो, हम और हमारी संस्था हर तरह से तुम्हारी मदद करेंगे। अगर दोबारा ये लोग तुम्हें परेशान करें तो तुम हमें बताओ, हम तुरंत पुलिस लेके आ जाएंगे। ठीक है? ठीक है। चलो। मैडम जी, एक बात पूछो आपसे। हाँ हाँ पूछो ना। वो मैडम जी, क्या मैं भी आपकी संस्था में काम कर सकूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, हम लोग तो खुद यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े। तुम जब चाहो हमारी संस्था की मेंबर बन सकती हो। तो मैडम जी, मारको अभी सदस्य बनना है। हाँ ठीक है, तुम अभी से ज्वाइन कर सकती हो। कभी हौसले से, कभी सोच से, कभी मन के विश्वास से, उड़ने ख्वाबों को पर लगाए जो पर आकाश से देते हैं दिशा।
इंसान को जी कर रहे दुश्वार जो जुड़कर लगा कि जैसे एक नई जिंदगी मिल गई है मुझे। शुरू से ही कुछ अलग करना चाहती थी मैं, आज दिल को तसल्ली मिल गई। समाज के लिए कुछ करना एक सुखद एहसास होता है, ये आज पता चला मुझे। हमारे गांव और आसपास के इलाके में न जाने कितनी मौतें सिर्फ इलाज की कमी के कारण हो जाती हैं। मैं इससे लोगों को बचाना चाहती हूँ। जो पीड़ा मैंने सही है उससे दूसरों को बचाना चाहती हूं मैं। ना छोरा तू आज काम भी ना आया है? ले स्कूल जाके क्या करेगा? मासा ने कहा है स्कूल जाना जरूरी है। कोई जरूरी ना है, जाके बकरियां चरा, चल मेरे साथ, खाना दूंगा। खाना खिला के भेजे है मासा ने। मारूंगा झापट, दिन में तारे नजर आवेंगे, हैं? फिर भूख ना लगेगी का? चल बकरी कौन चरावेगा हैं? मासा इतना कुछ हो गया, पंचायत लगी, हमारी इज्जत सारे आम नीलाम हो गई, पर जेठानी जी को कुछ ना हुआ। उल्टा वो तो गांव में घूम घूम कर औरतों को भड़का रही है। तू बार बार वही बातें करके हमारा दिमाग खराब मत कर, चल जा अपना काम कर। खाना बनाया क्या? मासा खाना तो मैं रोज बनाती हूँ, पर जो मैं बोल रही हूँ वो सही ना है क्या? सही है, बहुत सही है। हमारे जले पर नमक मत छिड़क, तेरे को बार बार वही बातें करने में बहुत मजा आ रहा है ना। अगर बलवंत उसको ब्याह के ले आता ना तब थारे को पता चलता। तो मैंने कब मना किया था, लेने तो गए थे, अब उसे मना ना सके तो मैं क्या करूं? तू कुछ कर भी नहीं सकती है, तू जा खाना बना, वो कर ले वही बहुत है, जा। बलवंत बकरियां कहाँ है ये देख लेगा उसको, और तू जब ये बकरी चला के आ जाओ ना तो खाना दे देना इसको। जा उधर पीछे खेत में जा, वही बकरी है, जा। उदय तो स्कूल जा रहा था ना, यहाँ क्या कर रहा है? दादाजी ने स्कूल जाने से मना किया और यहाँ ले आए। जा स्कूल जा। बिंदनी ये थारा बेटा है, तुम्हारा पोता भी है, समझी? मारा भी अधिकार है इस पे। हाँ बापू साहब अधिकार तो है आपका, तभी तो उसे स्कूल जाने से रोकते हैं आप। अरे बिगाड़ा क्या है उदय ने आपका, क्यों उसका पढ़ना आपको इतना बुरा लगता है? क्या हुआ, अपना घर का काम करने में क्या बुराई है? आपसे बात नहीं कर रही हूं मैं बापू साहब से ये पूछने के लिए आई हूँ कि आखिर बात क्या है, क्यों उदय को स्कूल जाने से बार बार रोकते हैं वो? सुना नहीं तूने? हैं? बलवंत ने क्या कहा? सुना मैंने और सब समझ में भी आ रहा है मुझे कि आप लोग क्या चाहते हैं। मुझे परेशान करना आप लोगों का मकसद है ना, बस मैं तब नहीं डरी जब मैं अकेली थी, तो अब तो मेरे साथ पूरी संस्था है, अब क्यों डरूंगी मैं? आप लोगों को एक सलाह देना चाहती हूँ, जैसा अपने लिए चाहते हैं ना वैसे ही दूसरों के लिए भी चाहें। जिंदगी खुशहाल रहेगी आप लोगों की,
खुश रहोगे आप सब। अरे तो लेकिन तुमने उन्हें समझाया नहीं, फ्यूचर के लिए, देश के लिए बच्चों का पढ़ना बहुत जरूरी है। स्कूल का बोले? आपने बुलाया मुझे? हाँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अरे सुजाता, गीतांजलि, सब लोग इधर आओ, सब लोग, आप भी। तो मोती, संस्था का एक ग्रुप छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कैंप करने जा रहा है और तुम्हें मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उस ग्रुप को तुम लीड करोगी। आबा जी, मैंने ऐसे कभी भी। मोती, जिस लगन और उत्साह से तुम संस्था के लिए काम कर रही हो, काबिले तारीफ है। तुम्हारा औरतों से बात करने का तरीका, उन्हें समझाने का तरीका एकदम अलग और कारगर है। सब आपकी देन है आभा जी, सब कुछ आपसे तो सीखा है। तो फिर बस अब जाओ, जाने की तैयारी करो। ऑल द बेस्ट। जी धन्यवाद। मासा, अब हम अकेले कैसे रहेंगे? बेटा अकेले कहाँ हो तुम लोग, देखो तुम्हारे नाना जी आए हैं ना तुम लोगों के लेने के लिए। अब से कुछ दिनों के लिए तुम लोग अपने मामा के यहाँ रहोगे, वहाँ बहुत मन लगेगा तुम्हारा, बहुत ख्याल रखेंगे वो तुम्हारे। मासा, आप यहाँ तो काम कर रहे थे, बाहर जाने की क्या जरूरत है? बेटा मासा समाज के लिए काम करती है ना, और फिर संस्था ने इतना भरोसा करके हमें बाहर भेजने का फैसला किया है, तो हम मना कैसे कर सकते हैं? मासा अच्छा काम करने के लिए जा रही है बेटा, आपको तो खुश होना चाहिए। चलो खुश हो राजा बेटा। बच्चों से अलग होना मुश्किल था, पर मैं कुछ अलग करना चाहती थी। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, और संस्था की वजह से आए इस मौके को मैं गंवाना नहीं चाहती थी। मोती मीना जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आप में ये सेवा भाव कब से आया? मेरा जीवन बहुत ही दुख और परेशानियों से भरा रहा है। मेरे पति की मौत किस बीमारी से हुई मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मेरे घर वालों ने पता लगाने की कोशिश ही नहीं की। तब मुझे एहसास हुआ कि न जाने कितने सारे परिवार होंगे ऐसे जो इस वजह से उजड़ जाते होंगे। हमारे देश में अधिकांश लोगों का रहन सहन का स्तर बहुत ही निम्न है। ये गरीबी की वजह से नहीं, बल्कि ये सही जानकारी ना होने की वजह से। मैंने कितनी जगह देखा है, लोग गंदा पानी पी लेते हैं। ये उनकी मजबूरी नहीं है, बल्कि ये उनकी ना समझी। अब खाने को ले लो, पेट भर के खाना खा लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। तो आप उन्हें समझाते कैसे हैं? सिर्फ समझाने से कुछ नहीं होता, उनके साथ रहकर उन्हें सिखाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे अपना लेते हैं अच्छी आदतें। देखो स्वस्थ तो हर कोई रहना चाहता है, बस सही जानकारी होना जरूरी है। आप लोगों को दूर दूर जाकर मिलते हैं, उन्हें समझाते हैं, कैसा लगता है आपको?
सच कहूं तो लोगों की सेवा करके मुझे बहुत ही सुखद एहसास होता। मेरी वजह से अगर उनके जीवन में थोड़ी खुशी आ जाए तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा जीवन सफल हो गया। लोगों को स्वस्थ जीवन की शिक्षा देकर, उनके अधिकारों के बारे में उन्हें बताकर, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ जाए, बस यही हमारी कोशिश रहती है। बापू, ये देखो क्या लिखा है। बे पढ़ तो तू रहा है, हमारे को काय पता क्या लिखा है, तू ही बता दे। बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है, लंबी चौड़ी। किसके बारे में? आपकी बहू के बारे में। मेरी बहू के बारे में? हाँ, आपकी बड़ी बहू मोती मीना के बारे में। क्या लिखा है? उसने संस्था ज्वाइन कर लिया है और समाज सेविका बनकर बहुत नाम कमा रही है। उसमें इतना दिमाग कहाँ से आ गया? पढ़ी लिखी तो है ना। अगर उसके पास दिमाग ना होती तो मुझे शादी ना कर लेती। पंचायत के खिलाफ जाकर आज सरपंच से ज्यादा काम कर रही है। आगे आपका भी नाम लिखा है। मारा नाम? घबराए मत बापू, अच्छा ही लिखा है। लिखा है, समाज सेविका बनकर नाम कमाने वाली मोती मीना मानपुर गांव के श्री कैलाश मीना की बहू है। ऐसा लिखा है? हाँ बापू, ऐसा ही लिखा है। और भी बहुत कुछ लिखा है। मारे को तो पहले ही पता था कि मारी बहू जरूर कुछ बड़ा काम करेगी, पर मैं थारा और समाज का चक्कर में वापस जुल्म कर बैठे हो। हाँ बापू, मेरी वजह से। मैंने तो मना किया था ना, आपने तो बात सुनी ना। मारे को तो लगता है उस टाइम पे उसने जो किया ना, सही किया। जो वो बात मान जाती ना शादी करने की, तो मारी तो जिंदगी बर्बाद होती ही होती। वो जो कर रही है ना, वो भी ना कर पाती। बेटा पतो कर बड़ी बहू है कहाँ, वैसे माफी मांगेगा और घर लेकर आवेगा। जिस तरह मैंने अपना पति खोया, कोई और न खो दे। हमारे आसपास जो भी कुपरता है उसे छुटकारा पाना जरूरी है। अगर मैं इस कुपरता से लड़ सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। हमने देखा कि कैसे एक साधारण सी महिला समाज सेविका बन गई, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि समाज में फैली कुप्रथा के खिलाफ वो खुलकर खड़ी रही और हिम्मत के साथ डटी रही।